जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाने वाले साहित्यिक पुरस्कार, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2020 में सरस्वती पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया गया, घोषणा किया गया। सरस्वती पुरस्कार भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, और यह पुरस्कार उसी साहित्यकार को प्राप्त होता है जिस पर माँ सरस्वती की असीम कृपा हो, और वह साहित्यकार भारतीय संविधान के 8वीं सूची में दी गई 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में साहित्य सृजन करने में सक्षम हो। के बिरला फाउंडेशन, जो कि 1991 में दिल्ली में इस्टाब्लिश हुआ, और इसी फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे पहले सरस्वती सम्मान वर्ष 1991 में मधुशाला सम्राट हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया, जबकि वर्ष 2018 में डॉक्टर के शिवा रेड्डी तेलुगु भाषा के कवि हैं और आपकी रचना पक्की के लिए आपको सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हुआ। अभी अभी 2020 में जो घोषणा की गई, सिंधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार वासुदेव माही को उनकी लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस रचना के लिए? चेकबुक के लिए प्रदान किया गया, और सरस्वती सम्मान उसी रचना को प्रदान किया जाता है पिछले 10 वर्षों में जिसने साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष प्रभाव उत्पन्न किया हो। सरस्वती सम्मान के अलावा जो पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, उसमें अगला है व्यास पुरस्कार। व्यास पुरस्कार प्रतिवर्ष हिंदी भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया जाता है, और इस पुरस्कार की शुरुआत भी 1991 में ही हुई। सबसे पहले व्यास पुरस्कार हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास वर्मा को प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2019 में यह पुरस्कार लेखिका नासिरा शर्मा को उनकी रचना कागज की नाव के लिए मिला। 2020 के लिए अभी व्यास पुरस्कार का कोई घोषणा नहीं हुआ है, जबकि बिहारी पुरस्कार के फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला अगला पुरस्कार सदैव राजस्थान के ही किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। भले ही इस पुरस्कार का नाम बिहारी पुरस्कार है, लेकिन ये पुरस्कार सदैव राजस्थान के ही निवासी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो हिंदी अथवा राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, और यह पुरस्कार वर्ष 2019 में डॉक्टर आईदान सिंह को, राजस्थानी भाषा के ये साहित्यकार हैं, कवि हैं, डॉक्टर आईदान सिंह को प्राप्त हुआ उनकी रचना हरियल सपना के लिए। के फाउंडेशन के द्वारा जो अगला पुरस्कार दिया जाता है उसे वाचस्पति पुरस्कार कहते हैं, और वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए, लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। शंकर पुरस्कार बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्राप्त होने वाला पुरस्कार है, जिसमें भारतीय दर्शन या भारतीय संस्कृत पर आधारित रचना के रचनाकार को प्रदान किया जाता है। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार ये वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। इन सभी पुरस्कारों में सबसे अधिक जो पुरस्कार राशि प्राप्त होती है वो सरस्वती पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपया पुरस्कार, माँ सरस्वती की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। किस फाउंडेशन के द्वारा? कृष्ण कुमार बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो ये था आज का हमारा सेशन। मुझे आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुमूल्य जानकारी से भरी हुई है। धन्यवाद। थैंक यू।